जब हम ग्रेजुएट हुए ना करीब अराउंड 91-92 तो हमको 10,000 रुपया टेस्ट मैच मिलता था। तो मैंने ना जब कलकत्ता मैंने जाना तो मैंने सोचना यार कि मदर टेरेसा को मैंने मिलना है और मतलब इस यज्ञ में आहुति देनी है, सेल्फलेस काम करती हैं वो, उनको 10,000 रुपये देने। तो रेस्ट डे को मैंने पता वता करके यू नो सिस्टर्स ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के ऑफिस में मैं निकल गया। वो ले गए सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, छोटा सा ऑफिस हुआ। मैंने कहा वेयर इज मदर, तो एक कपड़ों में वो नन टाइप लेडी वहां बैठी थी, उसने कहा कि मदर इज एट द होम फॉर द डाइंग। अब होम फॉर द डाइंग मुझे समझ नहीं आया, होम फॉर द डाइंग किसी को पूछा कोई नहीं। बाजू में है एक डिलेपिडेटेड बिल्डिंग है, वहां जो लोग मर रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपने डेथ बेड पे है, शी टेक्स केयर ऑफ दोज पीपल हु आर एट देयर लास्ट स्टेजेस। मैं अंदर गया तो मुझे ना एक अजीब किस्म की, दो बंदे थे, अंधेरा सा था थोड़ा, अजीब किस्म की स्मेल आई मुझे, जो नाकाबिले बर्दाश्त टाइप नहीं होती वैसी स्मेल आई, जैसे फ्लैश गलती है ना, तुझे पता ना जी जी, कोई मुर्दा खाना, हाँ, डिकेइंग फ्लैश नहीं होती जैसे। तो दे टुक मी, छोटी सी गली थी लेफ्ट लेके, दे टुक मी ऐसे करके, एंड लो द फर्स्ट साइट आई सॉ, स्केबीज बीमारी नहीं होती, पता नहीं लेप्रसी, पता नहीं स्केबीज, मुझे ये भी नहीं पता। एब्सोल्युटली नेकेड, एक कपड़ा बिछा रखा, द गाय वॉज ग्रोनिंग, उसके थोड़े थोड़े लंबे बाल थे, आई कैन नेवर फॉरगेट। वो इतने प्यार से उसके जख्म साफ कर रही थी, एंड द गाय वॉज मतलब तो अगर ब्रजेश वो देख लेता ना, उस बंदे को देख लेता और उसके जख्म देख लेता, तू अगर नजदीक खड़ा भी रह पाता ना तो मैं शेव करता, मैं ऑनेस्टली तुझे कहता। विद इन अ सेकेंड आई, शी स्टेड एट मी लाइक दैट यू नो, और विद इन अ सेकेंड आई फेल्ट लाइक प्यूकिंग, उल्टी आती है ना, मैं यूं पकड़ के ना आई रैन आउट। नवजोत सिंह सिद्धू दी इंटरनेशनल क्रिकेटर वहां नाली के ऊपर वाह वाह कर रहा, वाह वाह कर रहा, वाह वाह, 7-8-10 मिनट के बाद शी केम आउट, यस माय सन, मदर आई वांटेड टू मीट यू, वो 10,000 रुपए मेरी जेब में है, मदर आई वांटेड टू मीट यू, कम माय सन, फॉलो मी, शी वॉक्ड वहां पे। तो देख मैंने अहंकार में वो 10,000 रुपए निकाले और टेबल पे रख दिए, मदर you are a instrument of good, so I have come here to assist you, I will be really obliged if you accept this. She looked at me, she says, son, I don't need your money, I need your time, can you spend time with these people, can you give me some days where you can nurse them? मेरी आंख में आंसू आ गए, एकदम से मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा यार कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मतलब पैसे नहीं ले रही मुझे और मुझे कह रही हैं कि यहां आके इनकी सेवा कर, सेवा मेरे बस की नहीं थी, मैं उसके पास 2 मिनट खड़ा नहीं हो पाया तो मैं सेवा कहां से कर लूं, मेरे लोहे कांटे खड़े। मैंने आके फिर 4 लाइन का स्टैंजा लिखा, ब्रजेश सुन, बगैर जब्त किए कुछ नहीं मिलता, बगैर जख्म सिए कुछ नहीं मिलता, यूं ही बेताब होने से क्या, बगैर वक्त दिए कुछ नहीं मिलता, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, यूं ही मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। लाइफ चेंजिंग स्टोरी थी मेरी। उस दिन के बाद ये नहीं कि पैसे से जाके हेल्प हो जाएगी, ये नहीं, पैसों से बड़ा है एहसास, पैसों से बड़ा है प्यार, पैसों से बड़ा है सेवा।